हेलो, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह का गला यदि रेडीमेड बना हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका तेरा हम किस तरह से रखें, ये गला कितना चौड़ा है, तो हम मेजरमेंट कैसे लें, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैंने कमीज की कटिंग, पूरे अलवर सूट की कटिंग, कढ़ाई वाले सूट की कटिंग, इस तरह की वीडियो मेरे अपने चैनल पर डाली है, लेकिन मेरे पास कई कमेंट आए हैं कि हमें इस तरह का गला बना हो तो इसकी वीडियो बनाएं मैम, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए गला है, इसके साथ में अटैच है, ये देखिए, तो यहाँ पर और यहाँ पर इसकी स्टिचिंग की हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि ये देखिए, यहाँ से भी आप गला देख सकते हो, ये 6.5 आ रहा है गला, तो इसका जो है यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5, यानी कि 3.25 इंच का निशान लगाएंगे हम पीछे की तरफ से भी, और जितना भी हमें पीछे से ब्रॉड गला रखना है या छोटा या बड़ा, तो उसके हिसाब से हम कटिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको यहाँ से जो इसकी स्टिचिंग है इसको अलग कर देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको अलग कर लिया है। अब अलग करने के बाद में हमें इसका सेंटर लेना होगा, तो सेंटर लेने के लिए हम यदि थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा ले लेंगे तो हमारा कमीज भी टेढ़ा चला जाएगा, इसलिए इसका जो ये सेंटर आ रहा है ना यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ से लेकर इसकी जो किनारी है वहाँ तक देख लेंगे, तो ये आ रहा है यहाँ पे 20 इंच ऊपर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हम थोड़े सा आगे जाके निशान लगा लेंगे एक 20 इंच 2 सेंटीमीटर पर, और इसके बाद में यहाँ जो घेरा है इसका वहाँ पर भी निशान लगा लेंगे इसी तरह से 20 इंच 2 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा बीच का सेंटर का निशान लग गया है, और निशान लगने के बाद में हम इस निशान को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़कर इसको इस तरह से सेट कर देंगे। वैसे तो हम जब कपड़े को उल्टा करके निशान लगाते हैं, लेकिन इसका निशान मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया है, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ ही ऐसे सेट कर दिया एक बार। ये देखिए, अब जो ये हमारा है गला, इसको हम ऐसे सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। अब बारी आती है यहाँ पर तीरे की। अब यहाँ पर तीरे का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि आगे तो गला बना हुआ है, तो इसका हम यहाँ से कैसे सेंटर लेंगे। तो पहले हमने गला नाप लिया था, हमारा गला था 6.5 इंच, तो ये गला अंदर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो ये गला रह जाएगा 3.25 इंच, यानी कि 3 इंच 2 सेंटीमीटर ऊपर था, तो यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप को लेंगे। ये देखिए, जितना हमारा गला था उतना हमने इंची टेप आगे कर दिया है। अब ये हमारे आगे की जो लंबाई है वो आ गई। अब यहाँ पे मुझे ये इसका तीरा रखना है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा रही हूँ। 7 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर मैं आर्मोल का निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। अब बारी आती है चेस्ट की, तो यहाँ पे मुझे चेस्ट को रखना है 19 इंच तैयार, तो 19 इंच का हाफ हो गया यहाँ पे 9.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा रही हूँ, ये आ गया कमर का निशान, और मेरी कमर है यहाँ पे 15 इंच तैयार, तो मैं यहाँ पे 7.5 का निशान लगा रही हूँ। अब मुझे चाक के निशान लगाने हैं, वो लगा रही हूँ मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 इंच पर, और ऊपर से आप निशान लगाओगे तो आपका आएगा यहाँ पे 22 इंच पे। यदि आपको चौक ऊंचे रखनी है तो आप 21 या 22 पे निशान लगा सकते हो। ये आ गया हमारी कमर का निशान, और ये आ गया हमारे हिप का एरिया होता है उसका निशान। अब मुझे इसकी हिप रखनी है 20 इंच तैयार, तो 20 इंच तैयार रखनी है, तो इसका हाफ हो गया यहाँ पे 10 इंच,
अब इस तरह से हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इसके बाद में हमें इसका जो घेरा है उसका निशान लगाना है, और मुझे घेरा भी यहाँ पे 20 इंची रखना है। तो फिर इस स्केल की मदद से हम इस तरह से यहाँ पे घेरे का भी निशान लगा दिया है, और ये हमारा जो कुर्ती है प्रॉपर तैयार होगी उसका निशान लग चुका है। अब हमें यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा निशान। यहाँ पर हम इसको उल्ट करके सिलाई करेंगे और फिर यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे, और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे एक बार 1.5 इंच का। ये हमारी आगे की है कटिंग, और यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ मैं 2.5 इंच पर। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 निशान लगाए हैं, ये मैंने 1.5 इंच पे लगाया है और ये मैंने 2.5 इंच के ऊपर लगाया है निशान, और इन दोनों निशानों को मैं इस तरह से गोलाई दे रही हूँ। अब हम कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ से ही ऐसे ही कटिंग करके लेके आएंगे ये बाहर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है। अब मैं इसके बैक की कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए मैंने आगे का जो फ्रंट है जिसकी कटिंग की थी, ऐसे मैंने पीछे वाले भाग की भी कटिंग कर ली है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ जो आगे वाला फ्रंट होता है उसकी आगे से यहाँ से कटिंग होती है, जिससे हमारी जो यहाँ पे आर्मोल में झोल नहीं आता है और यहाँ से हमारी फिटिंग है जो बहुत अच्छी बैठती है। तो यहाँ पर हम हमेशा कोई भी सूट हो उसकी 1.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच इस तरह की हम यहाँ पे कटिंग करते हैं, लेकिन कॉलर वाला गला होता है या वेन वाला होता है तो उसकी कटिंग थोड़ी सी यहाँ से अलग होती है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया था पहले, तो उसकी कटिंग मैं यहाँ से कर रही हूँ। अब ये देखिए मैंने ऊपर वाला एक फ्रंट ही उठाया है, नीचे वाला इसके नीचे ही पड़ा है, और इस तरह से मैंने इसको उठा के ये देखिए यहाँ से इसकी कटिंग कर दी है, और ये नीचे वाला है इसकी कटिंग मैंने नहीं की है। ये देखिए यहाँ से इसकी 1.5 इंच की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हम अपने सूट की कटिंग करके सूट को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं और प्रॉपर और अच्छी फिटिंग घर पर ही बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो ऑल पर जाकर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।